चिंताणम्। नमो सिद्धाणम्, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोए सव्यसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम्। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम्, प्रधानम सर्व धर्मानाम्, जैनम जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या च कासति, चित स्वभावाय भावाय, सर्व भावांतरच्छिदे, सर्व भावांतरच्छिदे। भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये अनुपम कृति ग्रंथादि रात समय सार है। गुरुदेव श्री ने आज सुबह प्रवचन में फरमाया था, अशरीरी होने का महाशास्त्र है। सच में ये शास्त्र तो ऐसा ही है कि यदि हाथ लग जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और हृदय में उतर जाए तो भव भवांतरों की ज्वाला मिट जाए। ये कोई अपूर्व ग्रंथ है। गुरुदेव श्री निरंतर वेद विज्ञान की भावना बाते रहे, और ग्रंथादि रात समय सार के हाथ में आने पर मानो उन्हें कोई अपूर्व निधि मिल गई हो। जिस निधि को उन्होंने प्राप्त किया वही उन्होंने बतलाया, जिसका अनुभव किया, जिसको स्वीकार किया, जो उनके अनुभूति का विषय बना, बस वही अनुभव की बात उनकी वाणी के माध्यम से निकलती रही। समय सार की एक एक गाथा इतनी मार्मिक है, इतनी मार्मिक है कि हिम्मत भाई ने तो लिखा, बनाऊं पत्र कुंदननो, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद्र सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। हमारे हृदय में किसकी महिमा आती है, समय सार की महिमा है कि वैभव की महिमा है, तीर्थंकरों की महिमा है, चक्रवर्तित्व की महिमा है कि कामदेव की महिमा है। शांतिनाथ स्वामी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, आज गर्भ कल्याणक दिवस। तीन तीन पदवी के धारी थे शांतिनाथ भगवान। बहुत महिमा आती है हमारे को शांतिनाथ भगवान की। तीन तीन पदवी के धारी, तीन पदवियां कौन कौन सी भाई साहब? तीर्थंकर तो थे ही, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। सही नहीं है ये बात? ये साहब क्या बात कर रहे हो आप? शास्त्र आधार है हमारे पास में, आप कह रहे हो तीन तीन पदवियां नहीं थी कि हाँ, जिस समय चक्रवर्ती थे उस समय तीर्थंकर नहीं थे, और जब तीर्थंकर बने तो चक्रवर्ती नहीं रहे। हमारे को महिमा किसकी आ रही है? उन पदवियों की महिमा आ रही है, बाहर की महिमा आ रही है। इस समय सार उस चक्रवर्तित्व से बढ़कर है या नहीं है? बोलो। इस समय सार स्वरूप भगवान आत्मा, उसके सामने चक्रवर्तित्व का वैभव क्या है? अरे साहब चक्रवर्ती, आपने सुना है चक्रवर्ती के बारे में? गुरुदेव सुनाया करते थे अपने प्रवचनों में चक्रवर्तित्व की महिमा, खूब सुनी है हम लोगों ने। 14 रत्न 9 निधियां, और एक एक रत्न और एक एक निधि की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1000 देव। बोलो। एक रत्न की रक्षा करने वाले 1000 देव, 14 रत्न और 9 निधियां प्रत्येक की रक्षा करने वाले स्वर्ग के 1000 देव, कैसा वैभव होता होगा? अरे भैया ये जो चक्रवर्ती के रत्न हैं, ये हमारे सम्यक दर्शन रूपी रत्न के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। यहां तो त्रिरत्न की बात करते हैं,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न की बात करते हैं, एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न ही ऐसा है कि जो यदि ना हो तो चक्रवर्तित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो चक्रवर्तित्व और इंद्र जैसी पदवियां चरणों में लौटती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, इंद्र ऐसी पदवियां तो चरणों में लौटती है। किसकी महिमा है भैया? भेद विज्ञान की महिमा है। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी की एक एक गाथा भेद विज्ञान को बतलाने वाली है। एक एक गाथा मानो अंदर की गहराई में डूब करके लिखी हो। अतिंद्रिय आनंद रस का अनुभव करने वाले दिगंबर संत जब बाहर निकलेंगे तो क्या बात आएगी। दादा ने लिखा ना पूजन में, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। इतना की संतों की कोई अपूर्व बात है भैया। जो जीव जहां से आते हैं वो चर्चाएं उनके दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाले ये वीतरागी दिगंबर संत जब बाहर में निकलेंगे तो जिस आनंद का वेदन अंदर में करते थे उस आनंद की चर्चा उनकी लेखनी में न आए ऐसा कैसे हो सकता है। बोलो, रस से भरी हुई चीज हो, गुलाब जामुन खाए ना आज आपने क्या, रस से भरे हुए बर्तन में हाथ डालें और हाथ बाहर निकालें क्या, रस के टपके गिरे बिना नहीं रह सकते। रस से भरी हुई चीज में हाथ डाल करके बाहर आएंगे ना हाथ, तो टपके गिरे बिना नहीं रहेंगे। ऐसे अतिंद्रिय आनंद में जो निमग्न रहते हो, अतिंद्रिय आनंद का जो स्वाद चखते हो, ऐसे वीतरागी दिगंबर संत जब उनकी लेखनी चलती है तो मानो उनकी लेखनी में वो अतिंद्रिय आनंद रस टपकता है, वो झलकता है, वो भेद विज्ञान की बात उनकी वाणी में आती है। हर गाथा ऐसी अपूर्व है कुंद कुंद स्वामी की। कोई अतिशयोक्ति पूर्ण बात नहीं है, ये रत्नों की महिमा ही नहीं है भैया। रत्नों का पत्र बनाओ, रत्नों से लिखो, स्वर्ण अक्षरों में लिखो, एक एक गाथा इतनी महत्वपूर्ण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे अद्वितीय आचार्य माने वो भरत क्षेत्र के ऐसे महान समर्थ आचार्य हैं जो आचार्य कुंद कुंद और गौतम स्वामी के बाद याद किए जाते हैं। अद्वितीय आचार्य, सर्वश्रेष्ठ आचार्य इस भरत क्षेत्र के, और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना समय सार ये मिल गए दोनों हमारे को, और ऊपर से हमारे महाभाग्य से ये आचार्य कुंद कुंद के हृदय को खोलने वाले, हमारे महाप्रताप से इनके रहस्य को खोलने वाले सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार गुरुदेव श्री मिल गए हमारे को। बोलो अब क्या चाहिए, अब किस बात की कमी रह गई है। और भगवान महावीर स्वामी का वो माल जो गणधर के माध्यम से होता हुआ आचार्य कुंद कुंद स्वामी तक आया, वो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से मिल गया ना हमारे को, अब किस चीज की देर है, कितनी देर चाहिए अनुभव करने के लिए। भाई साहब ये समय सार की कोई भी गाथा खोल ले हुए हम, प्रत्येक गाथा बहुत मार्मिक है और हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्त करना। प्रत्येक जीव का एकमात्र उद्देश्य है कि हम सुखी कैसे हों। यहां हम संवर अधिकार के आधार से थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि इस जीव का साक्षात प्रयोजन तो संवर से ही सिद्ध होना है। संवर माने भेद विज्ञान, संवर माने आत्मानुभूति, संवर माने अतिंद्रिय आनंद की प्रकटता, संवर माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत, उसका नाम संवर है। आप क्या समझते हैं संवर के बारे में? सभा में पूछो कि संवर किसे कहते हैं तो तुरंत जवाब आता है कि साहब आश्रव निरोध है संवर है। बाबू भाई ऐसा ही है ना, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है आश्रव निरोध है संवर है, कर्मों के रुकने का नाम संवर है, आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम संवर है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से पूछो कि संवर किसका नाम है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पूरा संवर अधिकार लिख दिया लेकिन कहीं भी आश्रव के निरोध की चर्चा नहीं की उन्होंने। वे संवर अधिकार का प्रारंभ ही यहां से करते हैं, उपयोग में उपयोग है। बोलो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी से पूछा कि प्रभु संवर किसे कहते हैं,
संवर किसका नाम है? वो कहते हैं उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना। यहां से बात शुरू करते हैं, पूरा संवर अधिकार लिख दिया और आते हुए कर्मों को रोकने की चर्चा नहीं करी उन्होंने। कर्म जड़ हैं, भेद विज्ञान की चर्चा करते आए हैं प्रारंभ से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में यह सामर्थ्य नहीं है कि यह कर्मों को रोक सके और कर्मों को बांध सके। यह बात अलग है कि जब अपने ज्ञायक की अनुभूति होती है तो आते हुए कर्म स्वयमेव रुक जाते हैं। कर्मों को रोकना नहीं है, कर्म रुक जाते हैं अपने आप। कर्मों को थोड़ी ना रोकना है, कर्मों में कर क्या सकता है तू? दो द्रव्य बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अमरचंद्र स्वामी कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध है, सर्वोपि संबंध है नास्ति, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और हम तो न मालूम किस किस के साथ में कैसा संबंध मान बैठे हैं, न केवल दुनियादारी के साथ में, क्या घर गृहस्थी परिवार समाज है, मुमुक्षु समाज, ये तो अपना है ना। और थोड़ा सा अभ्यास किया होगा तो हम ये कहेंगे कि भैया कोई अपना नहीं है, अपना उदय ही अपना है। क्या ज्यादा से ज्यादा भी बात करेंगे तो कर्म के उदय तक लाकर के सीमित कर देंगे कि ये संयोग तुम्हारे नहीं है। पुण्य का उदय हो तो अपने दिखाई देते हैं और पाप का उदय हो तो छोड़कर चले जाते हैं। अरे भैया ये पुण्य पाप भी कर्म है और मैं ज्ञायक हूं, ये धारा चलनी चाहिए भेद विज्ञान की। अमरचंद्र स्वामी कहते हैं यहां पर कि ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए। कब चले बतलाओ भेद विज्ञान की धारा? प्रवचन में बैठे हो तब, स्वाध्याय कर रहे हो तब, चिंतन मनन कर रहे हो उस समय भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। प्रति समय भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। 130 नंबर कलश में कहते हैं भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक तेरा ज्ञान, जब तक तेरा उपयोग पर पदार्थों से छूटकर अपने स्वभाव में आकर स्थिर न हो जाए तब तक तू भेद विज्ञान का अभ्यास करना। ये भेद विज्ञान की धारा बराबर चलनी चाहिए। विचार तो करो कौन हूं मैं, कैसा है मेरा स्वरूप। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा इस देह देवालय में मौजूद है, सो मेरा स्वरूप है। और उस ज्ञायक स्वभाव से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो सब भिन्न हैं। सबसे पहले भेद विज्ञान का अभ्यास करना। लोग पूछते हैं पंडित जी क्या पढ़ें हम, किसका अभ्यास करें? बहुत लोग आए हैं, कितनी संख्या है? बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार गुरुदेव को सुना होगा, 10,000 लोगों की उपस्थिति, 14,000-15,000 लोगों की उपस्थिति। ये क्या चलता है, ये क्या होता है यहाँ, ये किसकी चर्चा चलती है भैया? ये किसी और की बातें नहीं चल रही है, ये मेरी बात चल रही है। ये कोई और नहीं है, मैं हूं। तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर जिसके गीत गाते हैं वो कोई और नहीं है, मेरी महिमा का बखान करते हैं। इतनी भरी सभा में किसी एक व्यक्ति का नाम लो तो उसे ऐसा लगता है मेरा नाम है? कितने लोगों में? और तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठकर क्या कर रहे हैं बतलाओ, किसके गीत गा रहे हैं? ये आत्मा माने कौन? लोग तो समझते नहीं है आत्मा माने क्या है। अपने आप को सेठ मान रहा है, अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहा है, अपने आप को गोरा काला मान रहा है, मोटा पतला मान रहा है, वैभव संपन्न समझ रहा है अपने आप को। ये है कौन, इस बात का विचार तो कर एक बार गहराई से देख। तू चैतन्य तत्व है, तू ज्ञायक है, तू आत्मा है। तू ये गुरुदेव फरमाते हैं तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा है, तू बना बनाए भगवान है। क्या ये गुरुदेव भगवान देख रहे हैं हमारे को? जब आत्मा की चर्चा करते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसा समझते हैं भूतों की चर्चा चल रही हो। क्या डरते हैं लोग? हम ट्रेन से आ रहे थे, पिताजी साथ में थे, हम लोग आत्मा की चर्चा कर रहे थे। तो कुछ देर बाद में जब हमारी चर्चा बंद हुई तो पास में एक सज्जन बैठे थे, रात को 9 बजे का टाइम था। वे बोलते हैं भाई साहब एक बात बताऊं आपको। हाँ बोलो भाई। कि आप ये आत्मा आत्मा की बातें करते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता?
हम उनको कौन समझाए, आत्मा माने भूत प्रेत नहीं है, आत्मा माने मैं स्वयं हूं भैया। हमारे घर पे एक मेहमान आए, मैं उनको रुकवाने के लिए रूम में ले गया, उनको ठहराया। मैंने कहा आपको रात को अकेले रुक लूंगे ना, आप डर तो नहीं लगता है ना? बोले नहीं, डरने का क्या काम है। मैंने कहा हाँ वैसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पांच आत्माएं हैं। बोले पांच आत्माएं? मैंने कहा हाँ भाई, मैं वाइफ मदर फादर बेटा, हम लोग पांच आत्मा। अच्छा अच्छा माने आत्माएं हैं पांच, तो ऐसा लगता है आप क्या बात कर रहे हो। अरे हम आत्मा ही तो हैं जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, हम जीवी तो हैं। आत्मा माने चैतन्य तत्व, ये जो सामने बैठा हुआ है समझ में नहीं आती है हमारे को। जब हम आत्मा कहते हैं तो मैं पने की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन जब मैं नाम लेकर के बोलता हूं तो मैं पने की अनुभूति होती है। ये सबसे पहले भेद विज्ञान करने योग्य देह के साथ में। क्या हमने बहुत चर्चाएं की है भेद विज्ञान की, और बहुत बारीकी से चर्चाएं की है, और इतनी बारीकी से चर्चाएं की है कि तू पर्याय मात्र से पार है। क्या इतनी बारीकी से चर्चा की है कि सम्यक दर्शन तेरा स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञान भी तेरा स्वरूप नहीं है, तू केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो केवल ज्ञान आपके पास में वर्तमान में है नहीं, उससे भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है अभी यहां। सम्यक दर्शन से भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है, यहां तो देह से भेद विज्ञान की जरूरत है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कलश में कहते हैं, मरपच करके भी एक बार तू देह का पड़ोसी बन करके देख। क्या आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतु हलीसन, एक बार अनुभव करके तो देख, एक बार अनुभव करके तो देख। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब निज आत्मा का अनुभव आता है तो इंद्रियों के विषय नहीं सुहाते, रस नीरस हो जाता है, फिर संयोग नहीं दिखाई देते, फिर परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल नहीं दिखाई देती, प्रतिकूल परिस्थितियां परेशान करने वाली नहीं होती, और अनुकूल परिस्थितियों का आकर्षण नहीं होता, आकर्षण भी मिट जाता है और प्रतिकूलताओं से हटने का भाव भी मिट जाता है, सहज रहने की कला मिलती है हमारे को। यहां जब गायक को देखते हैं, क्योंकि गायक तीनों काल गायक है, मैं तीनों काल एक रूप हूं, मैं सदा एक रूप हूं, नहीं बदलने वाला, कर्मों ने जिसको छुआ नहीं है ऐसा तत्व हूं मैं, कर्म जिसे स्पर्श नहीं कर सकते वो तत्व हूं मैं, क्योंकि मैं अस्पर्श स्वरूपी और कर्म स्पर्श रसगंध वर्ण वाले, मेल ही नहीं है दोनों का, मेल ही नहीं है। अरस अमरूपम गंधम, अभी गाथा चलती थी, पहला ही बोले अरस अरूपी अस्पर्शी, कैसा है गायक भगवान आत्मा। कुंद स्वामी ने पांचों परमागमों के अंदर लिखी है गाथा, अस्पर्श अनटच, कैसा है मेरा स्वरूप अनटच, टच नहीं करता। किसको टच नहीं करता भैया? कर्म को टच नहीं करता, तो शरीर को टच कैसे करेगा? देह में विराजमान है, जन्म से लेकर मरण पर्यंत ये ज्ञायक भगवान आत्मा इस देह देवल में विराजमान है, लेकिन अंदर रहता हुआ भी अछूता रहता है, स्पर्श भी नहीं करता। और उसका साफ साफ प्रमाण ये है कि यदि ये आत्मा इस देह को स्पर्श करता होता तो जीवन पूरा हो जाने के पश्चात वो आत्मा लाल होकर के फिरता इधर उधर, ब्लड से टच होकर के रंगीन होकर के निकलता। वो अमूर्तिक है, वो अस्पर्शी है, वो देह में रहता हुआ भी छूता नहीं है किसी को। कैसा स्वरूप है मेरा और क्या मान बैठे हैं हम, कहाँ अटके हुए हैं हम, छोटी छोटी सी चीजों में अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं। ये दृष्टि भर बदलने की देर है और कुछ नहीं है, इतना सही है संसार। संसार किसका नाम, दृष्टि बदली और सृष्टि बदल जाती है। तो पढ़ाते हैं नए चक्र, इसका नाम नए है, इसका नाम श्रुत ज्ञान है, इसका नाम कला है। ये भेद विज्ञान की ऐसी कला है, ये कला जिनके घट में जागृत होती है समझ लीजिए मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। ये तो कला सीखनी है अपने को, गुरुदेव ने और क्या सिखाया हमारे को, ये भेद विज्ञान की कला ही तो सिखाई है। धूल कहते थे, धूल माटी है, धूल है ये, बोलो। अरे पैसा तो धूल है ही, कर्म भी तो धूल है, पुण्य भी तो धूल है, किसके पीछे पड़े हो बोलो। ऐसा लगता है ना हमारे को, अरे पंडित जी पैसा कमाने से नहीं आता। दूसरों को कैसे समझाते हो आप,
बोलो जो लोग अभी यहाँ पंचकल्याणक में नहीं आ रहे हो, स्वाध्यायी नहीं हो, आप क्या कह करके लाए रमेश भाई? अरे चल ये साहब बिजनेस है, दुकान है, काम। अरे छोड़ो, तुम्हें पता नहीं है ये पैसा कमाने से नहीं आता तो कैसे आता है भैया? पैसा कमाने से नहीं आता तो देवेंद्र जी ऐसा कैसे आता है? पैसा पुण्य से आता है। पैसा पुण्य से नहीं आता, बोलो। अब आपको जान करके आश्चर्य लगेगा क्या कह रहे हो। करणानुयोग पढ़ता पढ़ाता हूं। पैसा पुण्य से नहीं आता, पुण्य का उदय बहुत हो और पैसा एक भी नहीं हो जेब में। पुण्य का उदय इतना हो कि लोग जय जयकार करें, लेकिन पैसा इतना भी नहीं हो कि शाम को भोजन की व्यवस्था हो। बोलो आप क्या बात कर रहे हैं? पुण्य का उदय एक तरह का होता है। पुण्य के उदय से यश मिले, पुण्य के उदय से प्रतिष्ठा मिले, पुण्य के उदय से मान सम्मान मिले, पुण्य के उदय से जय जयकार मिले, लेकिन हो सकता है पुण्य के उदय से पैसा ना मिले, उस जाति का पुण्य उदय ना हो। और दूसरी मार्मिक बात कहूं आपको, क्या पुण्य का उदय ये कारमाण वर्गणा है क्या, और पैसा ये आहार वर्गणा है क्या, और एक प्रकार की वर्गणा दूसरे प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं है। समझ में आ रही है बात? अन्योन्य भाव है दोनों में। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, अन्योन्य अभाव है, किसी प्रकार का कर्ता कर्मपना नहीं है। तो पैसे को खींच करके ले आए आपके सामने, बोलो क्या समझाते हम? यही तो समझाते हैं ना, पैसा कमाने से नहीं आता। सुनने के लिए चलो, एक बार सुनो, इधर लगो, पुण्य बंधेगा तो पैसा अपने आप आएगा, यही सिखा रहे हो आप। उधर से हटाया और पुण्य में लगा दिया और पुण्य की चेंट करा दी। गुरुदेव श्री 45 वर्षों तक जिस पुण्य को धूल कहते रहे, जिस पुण्य को हे कहते रहे, हमारे हृदय में क्या उस पुण्य की महिमा नहीं आती है? बोलो, क्या उस पैसे की महिमा नहीं आती है हमारे को? शांतिनाथ भगवान की महिमा हमारे को चक्रवर्तित्व से नहीं आ रही है, और शांतिनाथ भगवान के हृदय में किसकी महिमा थी? बोलो। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको बहुत मार्मिक, शांतिनाथ भगवान के जीवन का, शायद ही किसी ने सुना हो, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। शांतिनाथ पुराण में आता है, कन्नड़ प्रति शांतिनाथ पुराण की, कोई कन्नड़ भाषी कोई हो और किसी ने पढ़ी हो, श्रवण वेलगुला में भट्टारक चारु कीर्ति जी साहब हैं, उनसे व्यक्तिगत चर्चा चल रही थी तो उन्होंने सुनाया वो प्रसंग, एक कन्नड़ प्रति का। ले चक्रवर्ती थे, सभा में बैठे हुए थे और अचानक चक्र रत्न प्रकट हो गया आयुधशाला में। आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, सेनापति दौड़ते हुए आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज धन्य है आप चक्रवर्ती होने वाले हैं क्या? चक्र रत्न प्रकट हुआ है अपने आयुधशाला में, देखो तो सही आप कैसी महिमा गा रहा है वो उनकी, महाराज की जय जयकार कर रहा है जैसे मानो वो सेनापति और आप चक्रवर्ती होने वाले हैं। सुनी नहीं महाराज ने, सुनी नहीं। दूसरी बार फिर कही, सुन नहीं रहे हैं। तीसरी बार फिर कही, सुनी नहीं उन्होंने। अब क्या करें बोलो, अब किसकी हिम्मत आगे दोबारा कहने की? क्या मंत्री को कहा, मंत्री ने भी कोशिश करके देख लिया, सभा में और लोग थे उन्होंने कहा, सब लोगों ने सोचा कि ये क्या बात है, चक्रवर्ती हो रहे हैं, इतना बड़ा काम, 6 खंड के अधिपति होंगे, इस धरती पर राज करेंगे, पूरे भारत क्षेत्र के अधिपति कहलाएंगे, इतना बड़ा काम हो गया और इनको महिमा, सब लोगों को एक बार मिलकर के बात करनी चाहिए। तो सब लोग मिलकर के उनके पास में गए तो कहा, हो क्या गया इसमें कि महाराज चक्रवर्ती हो गए? अरे तो हो क्या गया उसमें? बोलो, चक्रवर्तित्व की महिमा नहीं आ रही है कि महाराज आप चक्रवर्ती हो गए, अब चले वहां आयुधशाला में चले जहां चक्र रत्न प्रकट हुआ है, वहां चल करके, ऐसा ही विधान है, चलना पड़ता है, हम नहीं चलने वाले वहां। कि महाराज भरत आदि चक्रवर्ती भी गए थे, आप तो 5वें चक्रवर्ती हो, आपके पहले भी 4 चक्रवर्ती और हो चुके हैं, कि नहीं हम नहीं चलते। कि महाराज वहां जाकर के चक्र रत्न की पूजा की जाती है, ऐसा ही विधान है, ऐसा ही नियोग है, या हम नहीं जाते, किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाते, हम किसी की पूजन नहीं करते। इतना कहना था और चक्र रत्न आयुधशाला से उठा और वहीं दरबार में आकर के सामने उपस्थित हो गया। देव पुनीत होता है, अपार महिमा है।
ये साहब कोई बात नहीं, अब पूजन तो करो कि हम नहीं करते इसकी पूजन, तुम्हें करना हो तो करो। चक्र रत्न की पूजन हुई, धूमधाम से आयोजन हुआ कि महाराज अब छह खंड के जीतने के लिए तो चलोगे, चक्रवर्तित्व का पुण्य आपके पल्ले है, इसके लिए तो आपको ही चलना पड़ेगा, अब तो चलो आप। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम यहां बैठ करके भी अपने आत्मा का अनुभव करते थे, यहां रह करके भी हम गायक थे और रथ में बैठ करके भी हम गायक रहेंगे। छह खंड को जीतना ये व्यवहार का काम है, दुनिया को ये दिखता है कि छह खंड को जीत रहे हैं, सच्चाई ये है कि वे अखंड आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। क्या वे छह खंड को तो जीतते हैं, लेकिन ये छह खंड नहीं, पांच म्लेच्छ और एक आर्य, ये छह खंड नहीं, पांच इंद्रियां और एक मन जो खंड खंड कहलाती है, इन छह खंडों को जीत करके वे चक्रवर्ती कहलाते हैं। क्या किसको जीतना है? क्या हमें लग रहा है कि बाहर में जीतना है, छह खंड को जीत लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, गायक हैं गायक ही रहते हैं सदा काल, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाए रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। घर में रहो चाहे वन में रहो क्या फर्क पड़ता है, अज्ञानी संयोगों से देखता है और ज्ञानी संयोगों से निरपेक्ष देखता है। क्या ये दृष्टि का फर्क है, अज्ञानी को संयोग दिखाई दे रहे हैं, परिस्थितियां दिखाई दे रही है, अरे साहब सेठ हैं, अरे साहब सेठ, अरे होंगे तो क्या हो गया उसमें, अनुभव किया कि नहीं, अरे साहब हमने देखा है जब यहां आए थे तब कुछ भी नहीं था और आज देखो कहां से कहां निकल गया, कहां निकल गया भैया, कितना आगे बढ़ गया। अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, मैं तो उस समय से जानता हूं जिस समय कुछ नहीं था, एक छोटी सी दुकान करते थे, और आज देखो आप पिताजी के स्वर्गवास के बाद इन्होंने अपना बिजनेस इतना बढ़ाया, शुरू से ही लगता था ये लड़का बहुत आगे निकलेगा, कितना आगे निकल गया भैया। हम कहते हैं मोक्ष मार्ग गुणस्थान बढ़ने का नाम है, गुणस्थान बढ़े तो आगे बढ़ना कहते हैं, और गुणस्थान नहीं बढ़ा तो हम कहते हैं जहां का तहां खड़ा है, क्या तेरी दृष्टि कहां है, तू कह रहा है आगे बढ़ गया, हम कहते हैं एक कदम नहीं बढ़ा आगे। गुणस्थान पहले से चौथा होगा तो हम कहेंगे कि अब आगे बढ़ा है, बोल किसका नाम बढ़ना है, हमारी कहां दृष्टि है, किसे देख रहे हैं हम, ये धारा चले वेद विज्ञान की, मैं कौन हूं, क्या स्वरूप है मेरा, है? ये त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा कौन है, ये चैतन्य तत्व कौन है, ये इतनी सभा, ये 10-10 हजार लोग, इतनी भीड़, ये क्या सुनने के लिए आए हैं, औरों को देख देख करके लगता है ये क्या सुन रहे हैं, ये क्या सुन रहे हैं, ये क्या सुन रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग विद्वान सब बैठे हैं, दादा वगैरह सब लोग बैठे हैं, सुनाते रहते हैं कई बार इस तरह के प्रसंग। दादा तो खैर शास्त्री होने के बाद गुरुदेव को सुनने के लिए गए थे, लेकिन बहुत से बुजुर्ग विद्वान ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं जब पहली बार वहां गए थे गुरुदेव को सुनने के लिए तो ऐसे देखते थे ये लोग क्या सुन रहे हैं, ये क्या चल रही है ये चर्चा, हजारों की भीड़ है और लोग सुन रहे हैं ये गुरुदेव, ये क्या हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आता था। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हमें लगता है आज इस पंच कल्याणक के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाली है, क्या बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने वाला है ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, क्या जो वास्तव में सम्यक दर्शन का निमित्त है, ये अनेक लोगों के सम्यक दर्शन का निमित्त बनेगा, क्या क्योंकि चर्चा ही इसी प्रकार की है। बहुत से लोग जो यहां सुनने के लिए आए जिन्होंने कभी ये चर्चा नहीं सुनी, उनको ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ बात अपूर्व है, कोई अद्भुत बात है, अलौकिक बात है। त्रियंच गति के अनपढ़ भी जिस भेद विज्ञान के बल पर अनुभूति कर लिया करते हैं, आनंद कर ले लिया करते हैं, वो कैसा भेद विज्ञान होता होगा बोलो, उस भेद विज्ञान की कैसी ताकत होगी, उस शेर के जीव ने कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली होगी। कैसा दो चार निधिधारी मुनिराज उतरे थे, उनके उपदेश को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर बोलो है? उनके उपदेश को सुनकर सम्यक दर्शन हुआ था। थोड़ा गहराई में जाकर के देखो, मुनिराज शेर की लैंग्वेज सीख के आए होंगे समझाने के लिए, शेर की लैंग्वेज में बोले होंगे मुनिराज, या फिर शेर को मुनिराज की भाषा समझ में आती होगी, शेर को मुनिराज की भाषा समझ में नहीं आती, मुनिराज शेर की भाषा में नहीं बोल रहे हैं। और देखो आप
मुनिराज ने उपदेश दिया और शेर ने अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव कर लिया। दो पांच दस मिनट का उपदेश और आत्मा का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, ये क्या हो गया, ये कैसा चमत्कार था ये भाई साहब। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कहीं भी किसी भी समय जागृत हो सकता है। पुरुषार्थ करने की देर है, जिनकी दिल्ली अभी दूर है उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको विरोध करने का भाव आएगा। जिनका काल नजदीक आ गया है उन्हें ये बात समझ में आती है। दादा ने लिखा क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में ऐसा, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा उन्हीं लोगों के समझ में आएगी जिन लोगों के संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, उन्हीं के सर्वज्ञता समझ में आती है। तो विरोध का भाव जागृत देख लो ना आप, प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने पास। तो जहां तीर्थंकर जैसे निमित्त थे, ऋषभ देव जैसे बैठे हुए थे समझाने वाले, तब तो नहीं समझा, और जहां समझाने वाला कोई नहीं था है जंगल में, वहां समझ में आ गया। भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे भाई साहब, सुनील जी, भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, अपन तो अच्छे संस्कार देंगे ना बच्चों को। अरे कहां चलती है तेरी, कहां चलाने वाला है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड था, कितना स्ट्रांग था उनका फैमिली बैकग्राउंड पता है आपको, मारीची का पिताजी चक्रवर्ती, चाचा जी कामदेव, दादाजी तीर्थंकर, परदादाजी कुलकर, एक चाचा जी प्रथम गणधर, क्या है एक एक भाई ऐसे जो मोक्ष जाने वाले, सबसे पहले मोक्ष जाने वाले अनंत वीर, बच्चे 923 ऐसे जो नित्य निगोद से निकले थे उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, कैसा तो परिवार था उनका बोलो। बुआ जी आर्य का प्रथम, आर्य का प्रथम श्रोता भरत जी स्वयं, और फिर क्या हुआ उसको, मारीची को समझाया नहीं होगा, थोड़ी सी भरत की गलती है, शुरू से ही ध्यान नहीं दिया, हाथ से निकल गया छोरा ऐसा। अरे भैया क्या है, कुछ दम नहीं है इनमें, कुछ दम नहीं है सच में। हम लोग यदि वहां बैठे होते तो मारीची की निंदा कर रहे होते, आलोचना कर रहे होते, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा देखते हैं, अनादि अनंत देखते हैं, भैया ज्ञायक है, इन पर्यायों में कुछ दम नहीं है, ये आने जाने वाली पर्याय हैं। अभी का दरिद्री व्यक्ति अभी वैभव संपन्न हो सकता है, ये वैभव संपन्न व्यक्ति दो मिनट में दरिद्री हो सकता है। अभी तो भूकंप के कितने झटके लग रहे थे, मुंबई में भी लगेंगे नहीं है? कितना चल रहा था अभी तो, 10-5 दिन पुरानी बात है, नेपाल में आया, सब जगह आया, कितना भूकंप, एक झटका लगता है। हम कहते हैं ऐसा असली झटका अंदर में लगे तो कर्मों की दीवारें हिलनी चाहिए। ये चैतन्य तत्व की चर्चा यदि अंदर में उतर गई, एक बार यदि वास्तव में उतर गई, ये गुरुदेव श्री की जो वाणी है, ये वाणी जिसको हम सुनते हैं यहां दो दो टाइम, क्या ये गुरुदेव श्री की वाणी जो वो 45 वर्षों तक कहते रहे और आज हमारे महाभाग्य से हमारे पास में उपलब्ध है, अरे एक वाक्य भी यदि हमारे जीवन में उतर गया तो कर्मों की दीवारों को हिलने में देर नहीं लगेगी, क्या विध्वंस हो जाएगा उसका, ये मिथ्यात्व की दीवारें हिल जाएगी। जिस मिथ्यात्व को आप समझते हैं कि बहुत पावरफुल है, मैं कहता हूं मिथ्यात्व से कमजोर दूसरा कोई कर्म नहीं है। जो सबसे पहले मैदान छोड़कर के भागे वो ताकतवर के कमजोर है। आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों में, अनंत अनंत कर्मों में, 8 कर्मों में, 148 कर्म प्रकृतियों में, दर्शन मोह ऐसा कर्म है जो सबसे पहले भागने वाला है। क्या हम ऐसा कहते हैं, मोह की सेना के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं जो सबसे पहले सलटने वाले हैं। आप डर रहे हो उस मिथ्यात्व से, और वो मिथ्यात्व ये सोच रहा है कि ये आदमी दरवाजे के अंदर आ गया, अब मेरा क्या होगा। ये पारला मंदिर की प्रतिष्ठा में ये बालक आ गया, ये व्यक्ति आ गया, वो मिथ्यात्व अंदर में कांप रहा है, थर थर कांप रहा है वो, अब मेरा क्या होगा, क्या पता बातें तो ऐसी कर रहा है, अब तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, डर रहा है वो मिथ्यात्व। तुम मिथ्यात्व से डर रहे हो और मिथ्यात्व तुमसे डर रहा है, हो क्या रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जानने की वजह से है भाई साहब ये सारी बातें। जिस क्षण अपने स्वरूप की महिमा आ गई उस क्षण काम हो गया, अनंत काल हो गया। गुरुदेव कहा करते थे काने पड़ना दुर्लभ है, जूतों में बैठ करके भी यदि ये भगवान आत्मा की बात, भगवान आत्मा की बात मतलब मेरी बात बोलो,
दीवार के पीछे से भी यदि अपनी बात चलती है ना अपना नाम लेकर के, तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। चार लोग बात कर रहे हो तो रोक दे, एक मिनट रुकना रुकना कुछ क्या कर? देखो आप, और यहाँ गायक की चर्चा चलती हो तो महिमा नहीं आती हमारे को। ये धारा कैसी चले, किस किस से भिन्न हूं मैं? ये कह रहे हैं सबसे पहले देह से भिन्नता का अनुभव कर, सबसे पहले ये काम करने योग्य है। इसका नाम अजीव तत्व का श्रद्धान है। देह से भिन्न ज्ञायक तत्व की श्रद्धा, ये सात तत्व का श्रद्धान हो गया यहां। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है और कहीं, क्योंकि सबसे निकट का संबंध इसी से है। वीरेंद्र जी पंडित जी साहब, माने हम ये सोचे हैं कि साहब मैं इसके साथ ममत्व तोड़ूं, इसके साथ ममत्व, अरे तू पागल है। देह के साथ में ममत्व तोड़ देने पर सबके साथ में कनेक्शन अपने आप टूट जाते हैं। पत्नी के साथ में तलाक लेता है ना, एक पत्नी को छोड़ा, उसके साथ तलाक हुआ, तो किस किस के तलाक देना पड़ेगा? साले को अलग से तलाक देना पड़ेगा, ससुर जी को अलग से तलाक देना पड़ेगा, अपनी सास को अलग से तलाक, एक एप्लीकेशन तो लगानी पड़ेगी राजेश भाई, निवेश भाई ऐसा है नहीं। एक के साथ में संबंध तोड़ा तो उससे रिलेटेड जितने भी थे सबके साथ में अपने आप कनेक्शन कट जाता है, अपने आप। क्या ऐसे ही हम कहना चाह रहे हैं, देह के साथ में संबंध तोड़ा तो देह के साथ में अपनापन टूटने के साथ ही परिवार के साथ, संयोगों के साथ, वैभव के साथ, परिस्थितियों के साथ, सबके साथ में अपने आप संबंध टूट जाता है। एक बार करके तो देखो भेद विज्ञान का अभ्यास। ये भेद विज्ञान वो कला है जिस कला के आधार पर दिगंबर संत जंगल में बैठे हुए चौपायों के बीच में बैठे हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और दो पायों के बीच में आने पर उनको लगता है क्या रोग लगता है, तकलीफ लगती है, और चौपाए जानवरों के बीच में बैठते हैं लगता है सुरक्षित है हम। क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं? ये भेद विज्ञान का बल। शिवभूति मुनिराज जिन्होंने भेद विज्ञान कर लिया, माथे पर सिगड़ी जल रही है, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तीन तीन दिन तक शालनी खा रही है, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हैं, देखो तो सही आप दिगंबर संतों को क्या दशा थी, और किस दम पर बैठे हुए हैं बोलो। एक चींटी काटती है तो ऐसे ऐसे हो जाता है, एक तीन मिनट खड़ा रहकर के खाए उत्सर्ग करे, नौ बार नमोकार मंत्र बोले, उसमें तो चेहरे पर बैठी हुई मक्खी नहीं बर्दाश्त होती है हमारे से। बोलो क्या बल होगा बतलाओ मेरे को। वो दिगंबर संत जंगल की गुफा में बैठे बैठे क्या अपूर्व कार्य कर दिया है इन्होंने, कोई अलौकिक कार्य कर दिया है। ये मुनिराज आचार्य कुंदकुंद स्वामी जहां जंगल की गुफा में बैठे हैं, कोई व्यक्ति उनसे आकर के पूछे कि प्रभु मैं जंगल का रास्ता भूल गया हूं, आप थोड़ा रास्ता बता देंगे? कोई नहीं दिख रहा है यहां, तो आप ही दिख रहे हो, एक हमें नहीं मालूम। जंगल से नगर का रास्ता नहीं जानने वाले महामुनिराज वहां जंगल में बैठे बैठे मुक्ति के मार्ग को लिख रहे हैं, देखो तो सही आप, क्या मुक्ति के मार्ग का प्रकट अनुसंधान किया है उन्होंने, कैसी गजब की बातें की है। ये बल है अंदर का, जब अंदर का बल आता है तो बाहर की सारी बातें फीकी पड़ जाती है। ये बातें कहने की नहीं है, ये जिसे अनुभव आता है ना, जिसे अनुभव होता है, वो वास्तव में उनके जीवन में ऐसा होता है, ऐसा परिवर्तन आ जाता है। दिखावा नहीं, प्रदर्शन की बात नहीं करता हूं, सच्चाई है ये, बिल्कुल हकीकत है ये। जीवन में जिसके उतरेगा, जिसे आत्मा का अनुभव होगा, जिसे देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति होगी, उसे फिर ये सब धूल दिखेगा, धूल दिखेगा, धूल दिखेगा, धूल ही है ये सब। हम बातें तो करते हैं लेकिन इसको धूल कितना समझते हैं बतलाओ। यहाँ बैठ करके हम इस पैसे को और पुण्य को धूल कहते हैं, और यहां से बाहर निकल करके फिर उसी के पीछे भागते हैं। कोई बात नहीं, कह सकते हैं चारित्र मोह की कमजोरी है, लेकिन भाई साहब ये उसके लिए लागू होगी जिसके अंदर में भेद विज्ञान की धारा चल रही है। फिर चाहे आप कहीं भी रहो, हम कहते हैं एक बार चैतन्य तत्व का अनुभव कर लो, अपने उपयोग को, अपनी परिणति को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक के साथ में बांध दो एक बार, फिर उसके बाद में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ज्ञायक के साथ में बंध गई ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जाए अब कोई चिंता की बात नहीं है, घूम फिर करके वापस आ जाएगा। एक बार आत्मा का रस अतिंद्रिय आनंद जिसने चख लिया हो, वो बार बार में अतिंद्रिय आनंद रस को चखता है, कैसा अपूर्व वेदन होता होगा।
देखो आप शांतिनाथ स्वामी 1,00,000 वर्ष की उम्र शांतिनाथ स्वामी की, सभी की बात भरत जी की तो याद है सबको, 60,000 वर्ष के लिए निकले छह खंड को जीतने के लिए, पता है ना सबको, छह खंड को जीतने के लिए चक्रवर्ती होने के लिए 60,000 वर्ष लग गए उनको सब। इधर तो दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई तीर्थंकर परमात्मा की, 3 शुभ सूचनाएं मिली थी ना, चक्र रत्न प्रकट हुआ था, पुत्र रत्न और ऋषभदेव स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य ध्वनि को छोड़कर छह खंड को जीतने के लिए गया। आपको क्या लगता है, अभी यदि मान लो हमारे में से कोई भी आत्मार्थी तो बहुत अच्छे स्वाध्यायी हों, बहुत अभ्यासी हों, 2-4-6 महीने के लिए ये सब छोड़कर हैं कहीं दूर चले जाए, बिजनेस में लगे हो, काम में लगे हों, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, ये तो यार मार्ग से अलग हुए आजकल तो, ये मतलब हमारी निगाह बदल जाती है, हम ये सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन भैया अंदर में क्या चल रहा है। आपको लगता है 60,000 वर्ष के लिए भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए गए, और मैं कहता हूं कम से कम 60,000 वर्ष में 1,20,000 बार आत्मा का अनुभव किया उन्होंने, क्या 6 महीने में 1 बार आत्मा का अनुभव जरूरी है, क्या एक सम्यक दृष्टि थे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, ये धारा चलती है उनकी, भरतेश वैभव में आता है सामायिक करने के लिए खड़े होते हैं तो हाथों में से ऐसे उंगलियों से अंगूठियां नीचे गिर जाती है, ऐसे सामायिक करते हैं। आपको लगता है 6 खंड को जीत रहे हैं, आपको लग रहा है कि अखंड साम्राज्य बनाने जा रहे हैं, और वो अपन अपने अंदर में अखंड आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। ये मार्ग कुछ अलौकिक है भैया, कुछ अपूर्व बात है, ये गुरुदेव के माध्यम से हमारे को मिल गई है, ये आचार्य कुंद स्वामी का ये मर्म, समय सार का मर्म, प्रवचन सार का मर्म, नियम सार का मर्म। मैं कहता हूँ गुरुदेव श्री ने आखिर ऐसा कौन सा विषय है जो अपने प्रवचनों में न चलाया हो, एक बार देखो तो सही। जरूरत है आज हमारे को गुरुदेव श्री के इस माल को जन जन तक पहुँचाने की, सही रूप में पहुँचाने की। निमेश भाई, अनंत भाई वगैरह काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम है, अक्षर से जो प्रवचन आ रहे हैं बड़ा अच्छा है, लोग सुने तो सही, अरे एक बार ये माल पब्लिक के सामने तो आए, लोग कैसे आकर्षित नहीं होंगे, माल में दम होगा तो ग्राहक अपने आप खींचा चला आएगा, क्या माल ही ऐसा है। तो ये अपूर्व माल है, हमें हमारे भाग्य से मिल गया है, लेकिन मिल गया है इतने मात्र में ही अपने आप को भाग्यशाली मत समझ लेना, जब तक अनुभूति ना हो तब तक निरंतर पुरुषार्थ करते रहना, करते रहना, करते रहना, यहाँ बैठो चाहे बाहर बैठो, वेद विज्ञान की धारा और अभ्यास निरंतर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हम सभी के हृदय में इस तरह वेद विज्ञान की धारा चलती रहे, आत्मा का अनुभव हो और शीघ्र अति शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति हो, इसी भावना से बात को